नहीं, आप लोग अंदर आओगे तो अंदर का जो सीन है काफ़ी ज़्यादा भाई बेहतरीन देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया में यहाँ पे ये फैला हुआ है और लोग यहाँ पे जो है भैया बैडमिंटन खेल रहे हैं, और किस तरह से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लोग जो है खेल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब सुंदर लग रहा है यहाँ पे देखने में। करके मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, यहाँ का जो कोच है कुंदन जी, वो बहुत अच्छे ट्रेनिंग देते हैं, नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी है और बहुत अच्छे ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा पटना में और बिहार में तो मैं मानता हूँ ये ऐसा नहीं है। हमारे ट्रेनर हैं जो प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, और वो ट्रेनर जो हैं हमारे यहाँ जो भी बच्चे आएंगे उसको ट्रेन करेंगे, एक बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक उनको ट्रेन किया जाएगा। और ये हमारे लिए गर्व की बात रहेगी कि जब हमारे यहाँ से निकल के बच्चे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, किसी भी लेवल पर वो खेल सकते हैं, तो ये हमारे बिहार और मतलब देश का नाम रोशन होगा। लेवल पे स्टेट लेवल में जाना चाहती हूँ। स्टेट लेवल पे जाना चाहती हूँ स्पोर्ट्स कैटेगरी में। तो कैसा लगता है यहाँ पे बैडमिंटन खेलकर? अच्छा लगता है। तुम्हारा क्या नाम हुआ छोटी? आकांक्षा सिंह। आकांक्षा सिंह, कैसा लगता है यहाँ पर खेलकर? बहुत बहुत। कितने बहुत दिनों अच्छा। से खेल रही हो? मैं एक महीना से यहाँ पे खेला था। बोल रहे थे कि भैया मैं कुछ बोलना भूल गया, क्या बोलना था? मैं 4 इयर्स का हूँ। 4 इयर्स का हूँ। 4 इयर्स के हो जी। बिकॉज एक देखिए, पूरे हम बिहार में क्या, पूरे पटना में अगर इस लोकेलिटी की बात करें तो ऐसा कोई फैसिलिटी अभी तक ओपन नहीं हुआ। स्वागत करता हूं आप सभी का राज रोशन ब्लॉग्स में। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को स्पोर्ट्स क्लब को सभी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और कौन सा स्पोर्ट्स क्लब है मैं आप सभी को बता दूं, L2B स्पोर्ट्स क्लब। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो L2B का जो फुल फॉर्म हो गया, लॉग इन टू बैडमिंटन। बहुत ज़्यादा ऊपर एरिया में हाइट लेवल पे है, और अब हम चलते हैं सबसे पहले इसके अंदर और आप सभी को दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और कैसा है कैसा नहीं। तो जैसे ही आप लोग गेट पर आओगे तो सबसे पहले भाई आप लोग जो शूज़ वगैरह है आप लोग को यहाँ पर खोल दीजिए, और शूज़ वगैरह खोल के जो अंदर एंटर करिए। और जो भी आप लोग को अगर शूज़ पहन कर अगर आपको मतलब अंदर खेलना होगा तो आपको अपना एक न्यू शूज़ लेकर आना पड़ेगा, तभी आप लोग अंदर एंटर कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग गेट के पास आते हैं तो गेट पर आप लोग देख सकते हो L2B लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ओनली नॉन मार्केटिंग शू इज अलाउ। देखिए यहाँ पे साफ में इंग्लिश में यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, और जो भी प्राइस लिस्ट है यहाँ पे आप लोग प्राइस लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे प्राइस लिस्ट भी जो है गेट पे ही यहाँ पे चिपका दिया गया है, L2B लॉग इन टू बैडमिंटन, और मोबाइल नंबर यहाँ पे साथ में दिया हुआ है, और तीनों मोबाइल नंबर पे आप लोग कॉल करके यहाँ से जो है इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं। आप लोग जो भी चार्जेस वगैरह यहाँ पे चार्जेस दिया हुआ है आप लोग चार्जेस देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग इसके अंदर और दिखाते हैं अंदर का जो व्यू है वो हमारा किस तरह का जो है देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग अंदर आओगे तो अंदर का जो सीन है काफ़ी ज़्यादा भाई बेहतरीन देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया में यहाँ पे ये फैला हुआ है, और लोग यहाँ पे जो है भैया बैडमिंटन खेल रहे हैं, और किस तरह से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लोग जो है खेल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब सुंदर लग रहा है यहाँ पे देखने में। तीन यहाँ पे जो है बनाया हुआ है, तीन पिच है यहाँ पर, और एक पहला, दूसरा और तीसरा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है भाई। आप लोग अंदर आओगे तो अंदर भी आपको यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड पे जो है भैया बैनर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है स्टूडेंट लोग जो है बच्चे लोग जो है यहाँ पे खेल रहे हैं बैडमिंटन, जो कि काफ़ी ज़्यादा भैया सही लग रहा है। यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म में है, फुल यूनिफॉर्म में जो है ड्रेसअप में है लोग जो यहाँ पे खेल रहे हैं। चलिए चलते हैं भैया से जो है बात करते हैं। भैया जो है यहाँ पे ये कोच है, क्योंकि भैया सामने वाले जो बंदा है जो भी मतलब खेल रहा है उनको भैया जो है भैया ट्रेनिंग दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है आप लोग सही खेल सकते हो नहीं खेल सकते हो। जब नीचे आप लोग आओगे तो कॉक वगैरह जो है देखिए यहाँ पे नीचे काफ़ी सारा देखने को मिल जाएगा, आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि मतलब कम है। और देखिए भैया जो है हाथ में लिए हुए हैं। तो सबसे पहले भैया यहाँ पे कोच हैं, भैया बताइए कि यहाँ पे जो है कितने दिनों से यहाँ पे स्टार्ट है और कितने दिनों से लोग जो है यहाँ पे मतलब खेल रहे हैं? अभी तो 21 अगस्त को ओपनिंग हुआ है जी, तो अभी बच्चे लोग यहाँ पर एंट्री किए हैं अपना, और ये लोग स्टेट के रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे लोग, और ये 15 चैंपियन है स्टेट का जी, और अंडर 7 की चैंपियन है आशीष। बाकी लोग से कुछ नहीं। और तुम लोग इतना यहाँ पे कब से खेल रहे हो और बैडमिंटन का प्रैक्टिस वगैरह जो है वो कर रहे हो? अभी तो हम लोग को यहाँ से 1 महीना हो गया खेलते खेलते, अच्छा ट्रेनिंग चल रहा है। और बाकी सब मतलब पहले हम लोग खेलते थे यहाँ, हाँ, तो फुटबॉल मतलब उतने आते नहीं थे हम लोग, तो भैया ने हम लोग को थोड़ा आगे। और तुम छोटी कब से खेल रही हो यहाँ पे? अभी 1 महीना पहले स्टार्ट ही हुआ था, तो पहले मैं नहीं, तो फुटबॉल उतना नहीं सही था, तभी हो गया। तो मतलब यहाँ पर खेल कर कैसा लगता है यहाँ पर बैडमिंटन? अच्छा। और प्रैक्टिस वगैरह यहीं पे होता है? और कुछ आगे का क्या फ्यूचर प्लान है बैडमिंटन में? बैडमिंटन में कुछ स्कोप आगे चलकर? अच्छा प्लेयर। अच्छा, तो अभी तक कुछ स्पोर्ट्स लेवल पे कुछ गई होगी नहीं आगे? अभी तो स्टेट ही। अच्छा, अभी स्टेट लेवल पे ही मतलब खेल रही हो तुम भी? नहीं सर। अच्छा, कौन से क्लास में हो दोनों? मैं 9th। तुम? मैं 6th।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुश हैं और खेल रहे हैं, और जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है यहाँ पर। तो अगर आप लोग को भी अगर यहाँ पर आना होगा तो आप लोग आराम से आइए, नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, नंबर पे आप लोग विजिट कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे भैया फिर जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ से चलेंगे थोड़ा सा और आगे। और भैया जिनसे अभी हम बात किए, ये भैया कोच थे जो कि बच्चे लोग को जो है गाइड करते हैं कि आपको किस तरह से खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। बैडमिंटन काफ़ी लोगों को लगता है कि वो कम है, मतलब कि उसको कैसे खेला जाता है नहीं खेला जाता है, लोग सोचते हैं नॉर्मल खेल लेंगे, लेकिन भैया ये स्टेट लेवल पे भी यहाँ इसको खेला जाता है। और तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो है आकर प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। शाम के टाइम पे आइए, सुबह के टाइम पे आइए, यहाँ पर 24/7 जो है यहाँ पे सर्विस जो है आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। और लोग जो है इस तरह से यहाँ पर जो है भैया बैडमिंटन खेल रहे हैं, 24/7 सर्विस है। जब आपको फ्री टाइम मिलता है कि हाँ मुझे इस टाइम पर आना है, इस टाइम पर मेरा टाइम जो है वो सही है, तो आप लोग अपना उसी टाइम पर आइए और यहाँ पर जो है बैडमिंटन का प्रैक्टिस कर सकते हैं काफ़ी कम प्राइस में। प्राइस को आप लोग भैया देख ही रहे हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस साइड भी जो है बच्चे लोग जो है भैया प्रैक्टिस कर रहे हैं और खेल रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से खेल रहे हैं। यहाँ पर जब आप लोग खेलोगे और खेलकर जब आप लोग थक जाओगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोग जो है आराम से बैठ सकते हैं, और बैठकर जो है भैया आप लोग आराम भी कर सकते हो, पंखा का भी सुविधा देखने को मिल जाएगा। जब आप लोग ज़्यादा थक जाओगे, गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगने लगेगा, तो यहाँ पे भैया आराम से आइए, हवा खाइए, बैठिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे लोग तो हैं ही, और साथ में यहाँ पे सीनियर लोग भी हैं जो कि जॉब वगैरह करते हैं और काफ़ी मतलब कि हाई लेवल ऊँचे पोस्ट पर हैं, वो लोग भी यहाँ पर आकर शाम के वक्त जो है यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। और चलिए सबसे पहले एक भैया हमें दिख रहे हैं जो कि उनसे थोड़ा हम लोग बात करते हैं, भैया से पूछेंगे कि भैया कहाँ से आते हैं और उनको कैसा लगता है यहाँ पर आकर। तो भाई आप सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम अभिषेक कुमार। कहाँ से आते हैं आप? हम सगुना मोड़ से आते हैं। सगुना मोड़ से आते हैं यहाँ पर आकर आपको एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा लग रहा है? काफी अच्छा है, मतलब एक तो पटना में कहीं पर भी ऐसा कॉम्प्लेक्स है नहीं, और बेस्ट पार्ट यहाँ ये है कि एवरीबडी गेट्स चांस टू प्ले। दूसरा ये है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स यहाँ पे मिलते हैं, सो इट्स अ गुड एक्सपोजर। काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट है। और लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको मतलब क्या कहना चाहिएगा इस वीडियो के माध्यम से, उनको यहाँ आना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, बिकॉज एक देखिए पूरे हम बिहार में क्या पूरे पटना में अगर इस लोकेलिटी की बात करें तो एज सच ऐसा कोई फैसिलिटी अभी तक ओपन नहीं हुआ, और ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे है इन द लास्ट 15-20 ईयर्स जो कि एक ऐसा फैसिलिटी लोगों को मिला है। तो ऑब्वियसली लोगों को यूटिलाइज़ करना चाहिए फिजिकल फिटनेस के पर्पज़ से, प्लस एक लेजर टाइम होता है, आपका ब्रेन फ्रेश होता है इससे, सो ऑब्वियसली एवरीवन शुड जॉइन एंड कम। जी अच्छा, आप अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर शाम के वक्त आकर जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो इसके साथ साथ और कोई काम वगैरह भी कर रहे हैं? हाँ ऑब्वियसली मेरा बिजनेस है, सो हम दिल्ली में रहते हैं नॉर्मली, बट मेरा होम टाउन यहीं पर है, तो हम टाइम टू टाइम यहाँ पर आते रहते हैं। और खैर दिल्ली और सब जगह तो हम देखे हैं ऐसा इन्वायरमेंट, बट यहाँ पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। पटना में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ये हुआ है, और लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और एक बार यहाँ पर आकर जरूर विजिट करना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बहुत लोगों को इसके बारे में अभी जानकारी भी नहीं है, अभी जस्ट न्यू ओपन हुआ है लगभग, मैं अगर आपको बताऊं कि एक महीना पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ था। अगर तो चलिए यहाँ पर और थोड़ा लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर खेलने के बाद जो एक्सपीरियंस है कैसा लगता है। यहाँ पर एक अंकल है जो अभी खेल रहे हैं और प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं बैडमिंटन का, तो सबसे पहले अंकल से हम लोग जानेंगे। अंकल आपका नाम क्या हो गया सबसे पहले अभी बता दीजिए। कितने दिनों से अंकल आप यहाँ पर जो है प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं? डेढ़ महीना से। और कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? तो पटना में फर्स्ट टाइम इस टाइप का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप का बना हुआ है, स्पोर्ट्स के लिए पटना में कुछ है नहीं जी। बिहार के बच्चों के लिए तो ये अच्छा, बच्चे तो यहाँ पर खेल ही रहे हैं, साथ में आप जैसे सीनियर लोग भी यहाँ पर आकर खेल रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप मतलब खेल के अलावा और कुछ काम साइड से आपका? हम रेलवे स्टाफ हैं जी, हम रेलवे में काम करते हैं, थोड़ा शाम के समय में फिजिकल है जरूरी, मतलब शाम के टाइम में मतलब फिजिकल होना मतलब बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा राहत का चीज़ है। तो ये तो ये शाम के समय जितने भी आते हैं खेलने वो सब सर्विस में ही हैं और अपने हेल्थ को लेकर। अच्छा, उनको क्या कहना चाहिएगा जो पटना के जो बच्चे हैं और जो मतलब सीनियर लोग हैं जो जॉब वगैरह भी करते हैं, क्या उनको आकर शाम में मतलब खेलना चाहिए यहाँ पर कि नहीं? तो हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, सबसे सेफ है, इसमें इंजरी कम होता है और बॉडी फिट होता है। हम आए थे तो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था जी, एक डेढ़ महीना कहीं ना कहीं वेट आपका कम हो चुका है खेलने से, शरीर हल्का हो गया जी। और कई मुख्य बात यह है कि पटना में इस तरह का माहौल ही नहीं है खेलने। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं यहाँ पर? हम तो ये दानापुर स्टेशन के पास से आते हैं। तो दोस्तों अंकल से बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे सीनियर लोग भी हैं जो कि खेलने आते हैं, और सीनियर के साथ साथ बच्चे लोग भी आते हैं, बच्चे लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं। लोगों को जैसा कि पता होगा कि बैडमिंटन जो है भैया बच्चे लोग तो खेलते ही हैं और साथ में भैया बड़े लोग भी खेलते हैं। देखिए काफ़ी सीनियर लोग यहाँ पर आकर जो है भैया खेलते रहते हैं, और
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि देखिए यहाँ पे इतने सारे जो भैया देखिए कॉर्क रखा हुआ है और एक से एक अच्छे अच्छे क्वालिटी का जो भैया यहाँ पे आपको कॉर्क देखने को मिल जाएगा, बैडमिंटन भी देखने को मिल जाएगा, आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा और काफ़ी बड़ा एरिया में यहाँ पे जो है फैला दिया गया है। अगर मैं एरिया का बात करूँ तो दोस्तों आप लोग एरिया यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे एक अंकल दिख रहे हैं, अंकल आपसे मैं पूछना चाहूँगा आपका नाम क्या होगा सबसे पहले? अपना नाम हुआ मुरारी प्रसाद जी। यहाँ पर आप मतलब कि बच्चे लोग को जो है प्रैक्टिस करवाते रहते हैं और खुद भी खेलते हैं तो कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है यहाँ तो। और कितने दिनों से ये चल रहा है? अभी ये अभी हो गया 2-3 महीना हो रहा है। अच्छा, तो अभी कैसा चल रहा है यहाँ पर? जब बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर, सब बच्चे लोग को सिखाया जा रहा है। ये पटना में मतलब कितने नंबर पे होगा, मतलब अभी जब ओपन हुआ है तो क्या चाहते हैं कि ये कितना और आगे लेवल तक जाए? जानते हैं इंटरनेशनल लेवल तक जाए। और यहाँ पे स्कूल के भी जो लोग होंगे वो लोग भी इसको बुकिंग करवाते होंगे बच्चे लोग को स्पोर्ट्स के लिए लेकर? वो भी होता है सब तरह से। मतलब लोग जब यहाँ पर आएंगे खेलने के लिए तो उनका मतलब क्या चार्जेस होगा, मंथली कितना उनको देना पड़ेगा, थोड़ा ऑडियंस को बताइए। मंथली 2500 यहाँ पर है, 2500। और कितने देर लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर? लगभग 1.5 से 2 घंटा तक करते हैं उसमें टाइमिंग, जो टाइमिंग दिया हुआ। और ऐसे खेलता है बच्चा लोग खेलता है तो उसमें मान लें कि गेम हो रहा है तो उसमें तो ज़्यादा समय देना पड़ता है थोड़ा। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा जो बच्चे लोग हैं जो देखना चाहिए? बच्चे लोग उनको आना चाहिए खेलने के लिए कि नहीं? जो लोग इंटरेस्ट लगते हैं बैडमिंटन में जी जी बहुत अच्छा है, मतलब आए जो भी है सबके लिए स्वागत है उसके लिए। बच्चा लोग आए और खेले सीखे यहाँ पर और यहाँ बिहार का नाम रोशन करे, यही मेरी शुभकामना है। चलिए बहुत अच्छा लगा। और अंकल जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं और बच्चे लोग यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, बड़े लोग भी हैं जो खेल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं हाइट का बात करूँ, देखिए हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊंचा तक है, मतलब कितना भी ऊपर मारिएगा आपको ऊपर जो है टच होने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर हाई लेवल तक है। और पटना में और जितने भी ऐसे तमाम जगह हैं उनका इतना बड़ा हाइट नहीं है जो इतना बड़ा यहाँ पर हाइट है। तो एड्रेस का भी मैं अगर बात करूँ कि एड्रेस भैया यहाँ कहाँ पे है, तो एड्रेस का बात करेंगे हम लोग वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए जब आप लोग यहाँ पर आइएगा तो अगर आप लोगों को अगर टॉयलेट का भी यहाँ पे सुविधा देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे लेडीज़ लोग भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के लोग खेलने के लिए आते हैं, लड़कियाँ भी आती है खेलने के लिए। तो लड़कियाँ के साथ देखिए यहाँ पे लेडीज़ टॉयलेट भी आपको देखने को भैया जी मिल जाएगा, जेंट्स टॉयलेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। जेंट्स टॉयलेट के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पे एक और फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा, चेंजिंग रूम। मतलब लोग जो है बाहर से जब आएंगे तो वो लोग जो है यहाँ पे बाहर के ड्रेस में, मतलब सिविल ड्रेस में वो लोग नहीं खेलते हैं, यहाँ स्पोर्ट्स ड्रेस को लोग जो है कैरी करते हैं, पहन लेते हैं, उसके बाद जो है स्पोर्ट्स ड्रेस में ही जो लोग जो है भैया जी खेलते रहते हैं। जो कि यहाँ पे चेंजिंग रूम का सुविधा भी आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए मैं अभी इस कोने पे खड़ा हूँ, थोड़ा मेरा कैमरामैन उस तरफ जाना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ से जब देखने के बाद जो इस हाइट लग रहा है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा भैया जी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया में इसको बनाया गया है और चारों तरफ से डेकोरेट किया हुआ है। और बाहर से मैं लुक इसलिए भी आप सभी को नहीं दिखाया क्योंकि अभी शाम के लगभग भैया जी 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, जो हमारा कैमरा जो है भैया उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाया। बाहर से देखने में लगता है कि बहुत बड़ा फैक्ट्री है, लेकिन जब आप लोग अंदर आओगे तब आपको पता चलेगा L2B स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि लॉगिन टू बैडमिंटन नाम है इसका फुल फॉर्म। नंबर वगैरह आपको सब देखने को मिल जाएगा। एड्रेस का अगर मैं दोस्तों अगर मैं बात करूं कि एड्रेस इसका कहां है, तो एड्रेस आप लोग को कहीं दूर नहीं जाना है, पटना के दानापुर में खगौल रोड में त्रिभुवन स्कूल के अंदर वाले रोड में आपको आना है। अंदर आप लोग जैसे ही आओगे आपको देखने को मिल जाएगा L2B लॉगिन टू बैडमिंटन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। लोकेशन का भी मैं अगर सिंपल भाषा में कहूं तो त्रिभुवन स्कूल खगौल रोड के पास है। आप लोग आइए एक बार इस लोकेशन पे, आइए जरूर से जरूर एक बार विजिट करिए। और आपको कैसा लगा नहीं लगा आप लोग वीडियो कमेंट करके बताना, वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो। बड़े लोग तो आते ही हैं साथ में, बच्चे लोग भी आते हैं। और पहले तुम अपना नाम बताओ क्या होगा? मेरा नाम अश्विनी है। अश्विनी है, कौन सी क्लास में हो? थर्ड में। यहाँ पर कब से आ रही हो? वन मंथ से। कैसा लगता है यहाँ पर आकर? अच्छा लगता है। क्या फ्यूचर प्लान है, आगे क्या करना चाहती हो स्पोर्ट्स लेवल पे? स्पोर्ट्स लेवल पे स्टेट लेवल में जाना चाहती हूँ। स्टेट लेवल पे जाना चाहती हूँ स्पोर्ट्स कैटेगरी में? हाँ। तो कैसा लगता है यहाँ पे बैडमिंटन खेलकर? अच्छा लगता है। तुम्हारा क्या नाम हुआ छोटी? आकांक्षा सिंह। कैसा लगता है यहाँ पर खेलकर? बहुत। कितने दिनों से खेल रही हो? मैं 1 महीना से यहाँ पे खेल रहा था। अभी तुम थोड़ी देर पहले हमारा क्वेश्चन नहीं समझ पाई, अब बताओ अभी कुछ गड़बड़ हो रहा है? नहीं। दोबारा देखिए, फर्स्ट टाइम दोस्तों जब कोई कैमरा फेस करता है तो थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, जो कि अब प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। छोटू तुम बोल रहे थे कि भैया मैं कुछ बोलना भूल गया, क्या बोलना था? मैं 4 इयर्स का हूँ। 4 इयर्स का हूँ। 4 इयर्स के हो? अच्छा, 4 साल के हो तुम? ओ, लगते नहीं हो। नहीं हूँ। तो यहाँ पे बैडमिंटन की नहीं खेलता हूँ। अच्छा लगता है। ये बताओ कि जो और भी जो बच्चे लोग हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आना देना चाहते हैं, उनको तुम क्या कहना चाहोगी? यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है, प्लीज इनको भेजिए। हाँ, और जो लोग स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके बारे में कि यहाँ पे बेस्ट जगह सीखने के लिए, यहाँ पे बेस्ट है, वो लोग यहाँ पर आए और एक बार विजिट जरूर करें।
और छोटी तुम क्या कहना चाहोगी जिनके पेरेंट्स नहीं आने दे रहे हैं, तुम आकर यहाँ पर खेल रही हो? मैं तो कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं सर, और यहाँ पे आ सकते हैं और खेल सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। बात करने वाले हैं जो इस चीज को रन कर रहे हैं, जो इस चीज को चला रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल राज रोशन ब्लॉग्स पे। इस चीज को ओपन करने का अभी लगभग एक महीने पहले इसका जो इनोग्रेशन हुआ था, जो कि रितलाल यादव जी भी आए हुए थे यहाँ पर इनोग्रेशन में। ये जो है 21 अगस्त को इसका इनोग्रेशन हुआ है जी। और इससे पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे उस टीम का जो हमारे साथ पैरेलल भी चलता है। एक कंपनी है JDCAT प्राइवेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जी, ठीक है। ये एक आर्किटेक्चर प्लस कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जो हमारे साथ से ये पैरेलल चलती है। उन्होंने ये चीज़ मतलब बनाया है और एक टाइम लिमिट में बना के दिया। फिर हम लोगों ने इसको 21 तारीख को इनॉग्रेशन किया, 21 अगस्त को, जिसमें हमारे जो विधायक जी हैं वो भी आए थे इनॉग्रेशन के लिए जी। उसके बाद से ये कंटिन्यू चल रहा है। और इसके पीछे मेन मोटिव ये है कि मतलब एक बिहार में जो है ना, बिहारी लोगों में बोलते हैं जो टैलेंट है, टैलेंट कूट कूट के भरा रहता है, बट एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, वैसा एम्बियंस नहीं मिल पाता है, एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को एक स्टार्ट किया है ताकि एक यहाँ के बच्चों को, लोगों को, यहाँ के जो एक सीखना चाहते हैं या है वो एक प्रोफेशनल लेवल पे खेलना चाहते हैं या एक पैशन की तरफ खेलना चाहते हैं, एक करियर की तरफ खेलना चाहते हैं, ताकि उन चीज़ को सब चीज़ वो प्रोवाइड। जितने छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं वो मतलब खेल रहे हैं, वो लोग स्टेट लेवल पे भी खेल चुके हैं और वो लोग भी यहाँ पे जो है शाम के टाइम पे आके प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो उन बच्चे लोग को क्या कहना चाहिएगा जिनके जो पेरेंट्स हैं वो मतलब खेलने के लिए मतलब नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं स्पोर्ट्स लेवल पे ये सब नहीं करो, पढ़ो, वैसा कुछ? आज के डेट में तो हम यही कहेंगे कि आज के डेट में चाहे वो किसी भी फील्ड का काम हो, चाहे वो पढ़ाई से हो या फिर खेल से हो, आजकल खेल भी एक करियर हो गया है और खेल भी एक पढ़ाई की तरह ही है। खेल में आप देख सकते हैं कि बहुत से जो दिग्गज लोग जो हैं आगे बढ़ चुके हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में क्रिकेट हो जाए, बैडमिंटन हो जाए, टेनिस हो जाए, कबड्डी हो जाए या कोई भी, आज खेल पीछे नहीं है। और साथ में ये खेल जो है एक फिजिकल बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। जो बच्चे लोग जो खेलने के लिए आएंगे तो उनके करियर के लिए क्या बेनिफिट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? देखिए यहाँ पे हमारे ट्रेनर हैं जो प्रोफेशनल ट्रेनर हैं और वो ट्रेनर जो हैं हमारे यहाँ जो भी बच्चे आएंगे उसको ट्रेन करेंगे, एक बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक उनको ट्रेन किया जाएगा। और ये हमारे लिए गर्व की बात रहेगी कि जब हमारे यहाँ से निकल के बच्चे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल, किसी भी लेवल पर वो खेल सकते हैं, तो ये हमारे बिहार और मतलब देश का नाम रोशन होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए एक बच्चा है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है और अभी हम लोग जो इनसे बात कर रहे थे और हमें पता चला कि इनके जो पिताजी है, मतलब सब नमस्ते अंकल, सबसे पहले आपका हमारे चैनल। नमस्ते नमस्ते। तो अंकल छोटू जो है काफ़ी ज़्यादा कम उम्र का लग रहा है, यहाँ पे जब खेलने के लिए जब आप इसको भेज रहे हैं तो कैसा लगता है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बहुत दूर से आता हूँ राजा बाजार से जी, और यहाँ बच्चे को खिला करके मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। यहाँ का जो कोच है कुंदन जी, वो बहुत अच्छे ट्रेनिंग देते हैं, नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी है और बहुत अच्छे ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा पटना में और बिहार में तो मैं मानता हूँ ये ऐसा नहीं है। मेरी बच्ची स्टेट लेवल खेल चुकी है, अंडर 9 रनर रही है, तो वो कुंदन यहाँ ट्रेनर के ही वजह से, तो यहाँ जो ट्रेनिंग देता है कुंदन वो काफ़ी अच्छा है और ऐसा व्यवस्था पूरे बिहार में तो मुझे पहली बार लगा जी ऐसा है। तो बच्चे लोगों को जो खेलने के लिए आप मतलब इतना ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों को अपना खेलने नहीं देना चाहते हैं, स्पोर्ट्स लेवल से जुड़ना नहीं देना चाहते हैं, उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहिएगा? एक्चुअली देखिए अपने बिहार में इसके प्रति लोग को जागरूकता नहीं है जी। मैं महाराष्ट्र से रहा हूँ, वहाँ 8-9 साल रहा हूँ, तो खेलना तो ज़रूरी है, ये लोग यहाँ केवल पढ़ाई के पीछे पड़ा रहता है। तो खेलने से क्या होता है, जो पढ़ाई में भी बच्चे अच्छा होता है, मेरी बच्ची पढ़ने में भी अच्छी है, ये खेल के जाती है तो उसका माइंड शार्प रहता है और केवल पढ़ाई पर रखने से बच्चा क्या होता है, चिड़चिड़ा जाता है, बच्चा सक्सेस नहीं हो पाता है। तो मेरे समझ से 2 घंटा ही सही, लेकिन खिलाना जरूरी है, क्योंकि शहर में अभी क्या हो गया, चाहे शहर हो, ये बच्चे के खेलने कूदने के लिए कोई जगह नहीं, मतलब आउटडोर जितने भी गेम है अब तो वो जब से फ़ोन आया है तब से आउटडोर गेम तो सभी बंद हो चुके हैं।
लोग जो है छोटे छोटे बच्चे जो है फोन पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो मेरे बच्ची क्या है जो इस खेल की वजह से यहाँ से खेल के जाती है तो पढ़ाई पर लग जाती है, मोबाइल और टीवी से दूर हो चुकी है। तो मैं इसके बहुत ये ऐसा सभी गार्जियन को करना चाहिए, इससे शारीरिक भी एक बहुत अच्छा ग्रोथ होती है। मेरी बच्ची की हाइट बहुत अच्छी जा रही है, मेरे बच्चे की हाइट जा रहा है, एक्टिव है, यही मैं पढ़ाता तो वो तो नहीं मैं पाता। अच्छा, आप अपने बच्चे का जो है करियर लेवल किस लेवल तक देखना चाहते हैं? तो इंटरनेशनल लेवल के देखना चाहते हो, अभी तो हो सके जो आप लोग का दुआ रहे और कुंदन का जो है मैं कुंदन के मुख से कहूँगा, चाहे यहाँ का जो व्यवस्थापक है जो इस तरह से व्यवस्था दी उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसे पटना के लिए ऐसा सोच रखना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पटना में ऐसा सोचने वाला सोचता भी नहीं है लोग। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके। और छोटू, सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या हो गया? अयान सिंह। कौन सी स्कूल में हो? स्कूल। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।